नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। सभी विद्यार्थी इच्छुक रहते हैं कि अभी जो 2018 का पीसीएस का इंटरव्यू लोक सेवा आयोग द्वारा चल रहा है, उसमें ये जानने के इच्छुक रहते हैं कि पीसीएस के इंटरव्यू में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो आपको बताते चले कि कल जो है वो साक्षात्कार का पहला दिन था। तो पहले दिन साक्षात्कार के लिए बनाए गए थे 5 बोर्ड। तो पीसीएस के इंटरव्यू में भी कोरोना छाया रहा, तो कोरोना से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम आपको आज इस पे डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है जुड़ा हुआ था कि लॉकडाउन से प्रश्न पूछे गए कि लॉकडाउन में क्या खोया क्या पाया, लॉकडाउन किस प्रावधान के तहत लागू किया गया, लॉकडाउन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव हुआ, लॉकडाउन में अपराध पर नियंत्रण कैसे पाया गया, इस तरह के प्रश्न पूछे गए। इसी तरह से जो कोरोना पर प्रश्न पूछे गए वो हैं, कोरोना अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं हुआ, कोरोना को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख कीजिए, एसडीएम बनकर कोरोना को कैसे कंट्रोल करेंगे, मान लीजिए आप कोविड कंट्रोल रूम में एसडीएम के रूप में ड्यूटी कर रहे हैं तो आप कैसे कार्य करेंगे, कोरोना के समय शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा, कोविड-19 एपिडेमिक रोकने में आपका क्या सहयोग है, कोविड-19 के विश्व के कितने प्रकार दिखे, भारत में किस प्रकार का कोविड है, वैक्सीन बनने में कितने स्टेज लगते हैं, सभी स्टेज के बारे में बताइए, इसी तरह से भारत में वैक्सीन किस स्टेज पे है, वैक्सीन निर्माण में आप क्या सहयोग कर सकते हैं, कोविड डेथ रेट क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए। इसी तरह से कानपुर एनकाउंटर भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से काफी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये काफी रोचक प्रश्न रहे हैं। आप लोग भी अपना इसको देखिए कि कैसे आप जवाब दे सकते हैं। अगला जो न्यूज है वो है बीएड प्रवेश परीक्षा को लेके। वो बताया जा रहा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को होगी। तो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 9 अगस्त को होगा। इसका सत्र 26 अक्टूबर से शुरू होगा। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग ने बुधवार को बीएड प्रवेश परीक्षा का नया कार्यक्रम जारी कर दिया है और संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 5 सितंबर को घोषित किया जाएगा। 21 सितंबर से 18 अक्टूबर तक प्रवेश के लिए काउंसलिंग होगी। 19 से 26 अक्टूबर तक सीधे प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चलिए अब हम लोग अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अगली खबर जो जुड़ी हुई है वो मोहिनीदून चिश्ती विश्वविद्यालय से है। तो वहां पर अब संस्कृत पढ़ना भी अनिवार्य है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में बुधवार को एकेडमिक काउंसिल और वित्त समिति की बैठक हुई, जिसमें संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने सहित शैक्षिक मूल्यांकन कराए जाने के लिए धन स्वीकृत करने व अन्य विषयों पर सहमति दी है। समझ रहे हैं? और इसके अनुसार जल्द ही विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ई कंटेंट व शिक्षकों के लेक्चर वीडियो के रूप में अपलोड किए जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों के लिए जारी शैक्षणिक कैलेंडर व ऑनलाइन पढ़ाई से संबंधित अन्य सभी निर्देशों को स्वीकार किया गया है। अगली खबर है वो है स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग में जो खाली पड़े हुए पद हैं उनके बारे में। तो वहाँ पर पद भरे जाने की न्यूज निकली हुई है। तो डीआईजी व एआईजी के पद खाली होने से राजस्व वसूली प्रभावित हो रही है, इसलिए स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग में उप महानिरीक्षक निबंधक एवं सहायक निरीक्षक निबंधक के पद काफी दिनों से खाली पड़े हैं। इसका असर राजस्व वसूली पर पड़ रहा है। इसको देखते हुए पदों को भरने की कवायद शुरू की गई है। चलिए हम लोग अगली खबर की ओर देखते हैं। वो है जो सुप्रीम कोर्ट से जो न्यूज आ रही है शिक्षा मित्रों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शिक्षा मित्रों के लिए 60-65% कट ऑफ काफी ज्यादा है। तो 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उसमें बीएड उम्मीदवारों को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये इस तरह के जो है न्यूज आई हुई है उत्तर प्रदेश में। चलिए पूरी खबर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि प्रथम दृष्टया हमें भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों के लिए 60-65% जो कट ऑफ काफी ज्यादा लगता है। अभ्यर्थियों के एक समूह ने परीक्षा के दौरान कट ऑफ बढ़ाने की चुनौती दी थी। चलिए हम लोग अगला देखते हैं कि मामला क्या है। सरकार परीक्षा के बाद सामान्य वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 45 से 65% व आरक्षित वर्ग के लिए 40 से बढ़ाकर 60% कट ऑफ निर्धारित की थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून को अंतरिम आदेश पारित करते हुए यूपी सरकार से कहा था कि वह 37,399 पदों को छोड़कर नियुक्ति प्रक्रिया जारी रख सकती है। अगली हम खबर देखते हैं वो है जो सीबीएसई का कल रिजल्ट आया है, उसमें जो बेटियां अव्वल रही हैं। जिले में जो प्रयागराज की बात है वहां पर बच्चों ने जो 98% अंक प्राप्त किए हैं ओवरऑल, और जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उत्तर प्रदेश के जो यूपी बोर्ड के उनको सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद।